नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अभ्यास वाली वीडियो में आपका स्वागत है और हमारे चैनल पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक हो दोस्तों, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यानी कि आपको अभ्यास करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे शब्दों को बनाना और कैसे आउटलाइंस का आपको जो है प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, तो देखेंगे आराम से। बेरोजगारी का मैंने साइन बता रखा है, बेरोजगारी बै और र थोड़ा लंबा आएगा। ठीक है दोस्तों, देश और ये के सम्मुख का चिन्ह होता है, मैं और खै। ठीक है दोस्तों, देश के सम्मुख एक, ये है अपना प्रमुख, आगे है समस्या है जो प्रगति। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपने एक लाइन। अब दूसरी है के मार्ग, के और से का ध्यान रखना, के यहाँ पे आता है और से जो है से भी ऐसे आता है, तो लाइन के टच होते हुए आता है ऐसे। ठीक है दोस्तों, मार्ग को है, मार्ग को तेजी से, देखो जैसे से मैंने बनाया। ठीक है दोस्तों, अवरुद्ध, इन छोटे छोटे शब्दों का आपको विशेष तौर से ध्यान रखना, अवरुद्ध करती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया करती है, अवरुद्ध करती है जुड़ के आएगा, और मार्ग को ऐसे शब्दों को जोड़ के लिखना जो जुड़ के आते हैं। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर बेरोजगार युवक युवतियों, क्रॉस हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना की, बड़ी की। आगे है संख्या, तो संख्या का है ये साइन। आगे है दिन और ये पर दिन, और दिन प्रतिदिन होता तो प्रति से काट देते, तो वो हो जाता है दिन प्रतिदिन, जैसे बना के बताते तो हम। ये हो गया दिन और ये प्रति। ठीक है दोस्तों, ये मैंने उदाहरण के तौर पर बताया, वैसे लाइन के टच होते हुए आएगा। आगे है अपना बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, आगे है वे, केवल लाइन के नीचे। आगे है फसलों के समय ही व्यस्त रहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखेंगे रहते हैं, वे के लिए आया है, वे केवल फसलों के समय ही व्यस्त रहते हैं, तो है पे देखना बिंदु लगा रखी मैंने, क्यों, क्योंकि ये प्लूरल जो है अपना सब्जेक्ट बहुवचन है, इसलिए जो है पे बिंदु आती है, और एक है बिना बिंदु वाला आता है, जैसे ये रहा, तो ये सिंगुलर के साथ होता है, और ये प्लूरल यानी कि ये बहुवचन के साथ होता है जहाँ पे बहुवचन का बोध होगा वो अपने विषय का, तो वहाँ पे जो है हैप्पी बिंदु आएगी, और वैसे सिंगल सिंगुलर होता है वहाँ पे हैप्पी अपनी बिंदी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको हिंदी का भी ध्यान रखना है अभ्यास करते समय। आगे है हमारे, अब क्या होता है दोस्तों का, हमारे और हमें में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो ये तो होता है हमारे और हमें, देखना हमें ये होता है, तो इन दोनों में आराम से देख लेना आप। देश में बेरोजगारी के अनेक, अब इसको छोटा भी कर सकते हैं जैसे अनेक। ठीक है दोस्तों, नए है इसमें, एक मिनट ब्लर हो रहा है। आगे है, ये हो गया अपना कारण है, अभी जुड़ के आता तो एक के कारण हो जाता और कारण अकेला ऐसे आ सकता है। आगे है अशिक्षित बेरोजगार के साथ शिक्षित बेरोजगारों की संख्या भी निरंतर बढ़ रही है, तो निरंतर का देखेंगे नए और रहे बढ़ रही है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। इसमें क्या है, आपको पढ़ते समय हिंदी का भी ध्यान रखना है कि अशिक्षित में कौन सी मात्रा आ रही है, जो है बेरोजगारी में ये बिंदु क्यों आ रही है। अब एक बात बता देता हूँ आपको, जैसे मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा हिंदी पर, लेकिन एक बात यहीं पर बता देता हूँ, बेरोजगार में बिंदु क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो है बहुवचन का बोध करा रहा है बेरोजगारों, तो ऐसे जहाँ पर भी बहुवचन हो, कामों, बेरोजगारों, संख्याओं, आदमियों, व्यक्तियों, वस्तुओं, तो वहाँ पे जो है प्लूरल यानी कि बहुवचन का बोध होते हैं, आपको क्या लगाना है बिंदु आएगी वहाँ पे। कई बार देखा होगा आपने कामों, तो कामों पे बिंदु क्या आती है, क्योंकि ये बहुवचन, तो बहुवचन पे हमेशा बिंदु आएगी। ठीक है दोस्तों, इस पे जो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी जो यहाँ पे आ गया तो मैं बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, याद आ गया था मुझे आपको इस प्रकार से अभ्यास करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, नई आउटलाइन के साथ और नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।